हाँ जी दोस्तों, राम राम। क्या हालचाल, कैसे हो आप सब? तो फाइनली भाई आज है संडे और आज का प्लान है मैक्स भाई के पास जाने का। देखो काफ़ी टाइम हो गया जब से मैं गेम की तैयारी में लगा हूँ, मैक्स भाई के पास जाना ही, मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता था यार जाने का। तो मैक्स भाई भी चल रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन पे। 45 दिन हार्ड चैलेंज हो चुका है उनका कम्प्लीट, 90 डे हार्ड चैलेंज ले रखा है। चलो आज मिल के आते हैं, थोड़ा बहुत वर्कआउट लगाएंगे देसी। तो अभी निकल रहा हूँ मैं सवेरे सवेरे, अभी 6:30 हो रहा है, 7:15 बजे निकलते हैं, पहुँचते हैं भैया के पास। ज़्यादा वर्कआउट तो करूँगा नहीं, खैर थोड़ा बहुत करूँगा, और थोड़ा पहले इसलिए जा रहा हूँ ताकि धूप ना हो जाए तेज, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत भी वर्कआउट नहीं लग पाएगी। तो आ जाओ थोड़ा सा डाइट लिया जाए फटाफट और फिर निकलते हैं मैथ्स भैया के पास। तो डाइट में तो यही है, पहले थोड़ा सा फ्रूट खाएंगे, फिर बाकी अपना बैग बुक पैक करेंगे सारा, प्रोटीन वगैरह, EAA, प्री वर्कआउट, ये सब चीज़ें ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें पैक करेंगे और फिर चलेंगे। बस यही चीज़ खा पाऊँगा यार सवेरे सवेरे, और कुछ खाने की इच्छा तो हो नहीं रही है। खैर हाँ जी दोस्तों, पहुँच गए भाई अखाड़े में, बैठे हुए हैं भाई। पता नहीं मैक्स भाई आए नहीं आए। भैया क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। आया नहीं गया अभी तक? है मेरी तो बात हुई थी पहले। और ठीक हो? पहचान लिया भैया? हाँ हाँ बिल्कुल। बैठो बैठो, हो गया क्या वर्कआउट? अरे बैठो बैठो, बात हुई तुम्हारी? मेरी तो कल ही बात हुई थी इनसे। क्या कह रहे सर? थे हाल वाला वहाँ गए हैं शायद सोनीपत, अंकित के पास। हाँ हाँ अंकित के पास बात करके देखो, फिर तो आने बेकार हो गया भाई। एक बार कल कॉल करके देख लो, उठा नहीं रहे कल कॉल। तो कल कॉल नहीं किया देखा भैया, गर्मी हो रही है तो भयंकर वाली है ना। चलो भाई मैक्स भाई तो मिले नहीं, फावड़ा लेके घर चलते हैं। करेंगे क्या, टाइलों पे चलाएंगे। अच्छा एक राउंड खोद देंगे बढ़िया वाला, एक राउंड खोद देंगे, फिर उसके बाद भेड़ी घुमाएंगे एक राउंड बस, फिर थोड़े बहुत सपाटे सपाटे मन किया तो लगाएंगे। और नहीं तो गर्मी जिस हिसाब से हो रही ना, ओ तेरी गम है, तो मिट्टी भी पूरी गर्म हो रही भाई, बहुत ज़्यादा गर्म है देख, है ना। पानी मारना चाहिए, मैं पूरा दबा गया। वैसे भी भाई सबसे तो पहले से ही पंप हो रहा है, चार फावड़े मारूंगा भाई और पंप हो जाएगा। चलो मैक्स है, पैर में गुदगुदी हो रहा है, गुदगुदी हो रहा है मेरे तो, जल रही है पैर तो। चलो जय बजरंग बली, ऐसे खोदते हैं। मैक्स भाई ये ना कहते कि भाई हम, मैं नहीं था तो तू आके मेहनत नहीं करके गया, ठीक है। जिस चीज के लिए हम जाने जाते हैं उस काम में हम माहिर हैं। भाई बस दो दो राउंड मार रहा हूँ, आराम आराम से लगाऊंगा, क्योंकि बड़े दिन बाद आया हूँ अखाड़े पे, कोई नस वगैरह ना खिंच जाए, मालूम चले हाथ सीधे ना हो रहे हैं। अभी पंप देख रहे हो, ये तो आधा भी नहीं खोदा यार, अभी आधा खोद दूंगा आपके बारे में। भाई साहब जिम में तो फिर भी ठीक है, एसी में वर्कआउट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत गर्मी से बच जाते हैं और धूप से बच जाते हैं। ये तो देसी है भाई। हालत पतली होगी अभी तो, रुक रुक के कर रहा हूँ, नहीं तो चक्कर भी आने वाले हैं। ले रहे ठोकने को डम्बल यार, सुल्तान ऐसी धूप में सुल्तान के भी फट के हाथ में आ जाए। तो बोलो हर 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 हर, इधर गर्म हो गया भाई, मिट्टी भी बहुत ज्यादा। दोनों मेडिकल आओगे, बड़ी वाली भी? नहीं पागल है,
मैकडी वालों की पैकिंग है। और क्या ये मैकडी का नहीं है? एमसी डिलीवरी, इसका मतलब कुछ और भी निकल सकता है। भाई आई देख लो मुझे। एमसी डिलीवरी मतलब मैकडी डिलीवरी, सी होगा मैकडी में एमसीडी। चलो भाई थोड़ा सा खा लो यार, खा लेते हैं एक दो दिन और, फिर उसके बाद करेंगे तैयारियाँ स्टार्ट, जब तक आगे का प्लान नहीं आ जाता। क्या है? अभी तो ये खा रहे ना, शाम को इससे बनवाऊंगा एक एक नंबर का चीज। नाग महीना पर देखिए, वो बड़े दिन बाद बर्गर खा रहा है, खास करके ये शाम को खाना क्या था? शाम को जब बनाएगी जब मेरा ऑर्डर किया हुआ था, कब्जा मार के बैठिए, एक टिक्की निकाल देते थे उसमें से, आधा दे दे। लो ये खा लो, ये वाला खा लो यार, वो दे दो तुम। ना यही खाते। तो भाई बहुत ज़्यादा मन कर रहा था खीर खाने की, वो भी बिल्कुल ठंडा ठंडा, तो भाई बन रहा है, बिठा के गई है वो सब्जी लेने। मेरे को तो देखो खैर बनाना आता नहीं है, तो अभी ये बन जाएगा, फिर इसको फ्रिज में डाल कर ठंडा करेंगे बढ़िया, है ना, मज़ा आएगा खाने का। ये डलेगा भाई खीर में, काट रहा हूँ इसको, टुकड़े कर रहा हूँ इसको, छोटे छोटे रहते हैं तो खाने में मज़ा आता है। तो भाई आज तो अच्छा खाड़ा खोद के आया, आज पूरा दिन सोया हूँ पूरा दिन। चलो ऐसे आज अपनी सारी फेवरेट चीज़ बनवाया हूँ खाने के लिए डिनर में, अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ बना हुआ है, जब से लगवा रखा हूँ। मगर ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, सारा चीज़ खाना है। तो भाई ये है आलू गोभी की सूखा सब्ज़ी, और मेरा फेवरेट चीज़ रायता, ये हो गया सलाद, और इधर बनवाया हूँ पोहे, और बना हुआ है एक चीज़ और, वह खीर, जो कि ये खाने के बाद खाऊंगा। तो पहले चलो फिनिश किया जाए इसको खड़ा देने। चलो दोस्तों आज का दिन बस ऐसा ही था, सवेरे में एक्स भाई से मुलाकात हो जाती तो मज़ा ही आ जाता, बट कोई नहीं, कल चलेंगे सवेरे जिम में, गुरु जी से मिलता है कल, अपना प्लान आगे का बनाते हैं, क्या करना है कैसे करना है, बाकी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में।